हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्वेश्चन ऑफ द डे के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जो 18 तारीख के दिन डाला गया था वो क्वेश्चन है, इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर, देन एफ ऑफ एक्स कैसा होगा, इन ऑप्शन में से बताना है। कंटिन्यूस एंड डिफ्रेंशिएबल होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। R क्या है यहाँ पे? सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। मतलब R की सभी वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। फर्स्ट ऑप्शन ऐसा कह रहा है, दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? कंटिन्यूअस फॉर एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू R। तीसरा, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 ओनली। चौथा, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों के ऊपर डिसकंटिन्यूस है ऐसे बोल रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस फंक्शन के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि फंक्शन है क्या, ठीक है ना। तो क्या है ये फंक्शन? मिनिमम ऑफ एक्स कोमा एक्स स्क्वायर। देखते हैं, देखिए क्या है फंक्शन। ये बोल रहा है मिनिमम ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर। देखते हैं क्या है। जब x की वैल्यू 0 से कम हो, उस कंडीशन में इन दोनों में से कौन सी वैल्यू मिनिमम होगी, ये बताना है। देखिए, अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, 0 से कम मतलब नेगेटिव है, तब ये जो एक्स स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव, ठीक है ना। ये नेगेटिव होने की वजह से ये x जो है वो मिनिमम होगा। मतलब x नेगेटिव होने पर ये फंक्शन क्या वैल्यू देगा? x देगा, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 से कम, 0 और 1 के बीच में है, ठीक है ना, तब इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू x स्क्वायर देगा, ठीक है ना। x स्क्वायर देगा, क्यों? क्योंकि एक से कम वैल्यू का स्क्वायर करने पे हमें हमेशा छोटी संख्या मिलती है उस पर्टिकुलर वैल्यू से। देखिए, अगर x इज इक्वल टू लिया अपन ने 1/2, तो x स्क्वायर क्या आता है अपने पास में? 1/4, ये 1/2, 0.5, ये 0.25, तो छोटी वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू। मतलब मिनिमम कौन दे रहा है? x स्क्वायर दे रहा है। मतलब 0 से 1 के बीच में x स्क्वायर जो देगा वो मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। अगर एक से बड़ा लेंगे हम x को क्या ले रहे हैं? एक से बड़ा ले रहे हैं, तब कैसी वैल्यू कौन देगा? मिनिमम वैल्यू ये देगा, ठीक है ना। एक से बड़ा होने की कंडीशन में ये बड़ा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, तो x मिनिमम वैल्यू देगा, तो अपने पास में ये फंक्शन बनेगा, ठीक है, इस तरह का फंक्शन बनेगा। तो इसको देख रहे हैं अपन, 0 पे ये कंटिन्यूस है, 1 पे भी कंटिन्यूस है, मतलब सभी जगह पे ये कंटिन्यूस होगा, ये ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है ना। बट यहाँ पे अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, कहाँ पे? यहाँ पे 0 पे और 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, तो ये 0 और 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया, ठीक है ना, ये कट जाएगा, ठीक है ना। कंटिन्यूस है तो ये तो वैसे कट गए, तो ये कंटिन्यूस होगा, ठीक है। अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें, हमें ग्राफ से भी पता चल जाता है ये कंटिन्यूस है या नहीं है। इसका अगर ग्राफ बनाना चाहें तो इसका ग्राफ बनता है ऐसा, एक से मतलब 0 से छोटे के लिए x, ये 0 से 1 के बीच में पैराबोला इस तरह का, ठीक है ना। पैराबोला इस तरह का, ठीक है ना। 0 से 1 के बीच में ये वाला पार्ट, केवल पैराबोला का ये वाला पार्ट आएगा, ठीक, और फिर वापस x आ जाएगा, मतलब ये। इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है ये ग्राफ यहाँ पे तीक्ष्ण आ रहा है और यहाँ पे भी तीक्ष्ण है, ठीक है ना। जहाँ पे तीक्ष्ण हो जाता है ग्राफ, वहाँ पे कंटिन्यूस तो होता है पर डिफरेंशिएबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 और 1 पे ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूस है, ठीक है। तो अपना ऑप्शन निकल के आया 2, दूसरा ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
जो कि 19 तारीख के दिन डाला गया था, इफ लिमिट एफ के एक्स कोट एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स कोट के एक्स, देन वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू बतानी है अगर ये इस तरह से दे रखा है तो, ठीक है ना। इन ऑप्शन में से क्या होगी देखते हैं, निकालते हैं क्या होती है। लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो के एक्स कोट कोट एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स कोट के एक्स, ठीक है। कोट को, कोट को मैं टेन लिख रहा हूँ। लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो के एक्स अपॉन टेन एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपॉन टेन के एक्स, ठीक है ना। इसको भी टेन में लिख लिया, इसको भी टेन में लिख लिया, ठीक है। क्यों लिखा है? क्योंकि एक्स टेंस टू जीरो, जैसे जैसे एक्स जीरो के पास में जाएगा, ये फंक्शन किस तरफ जाएगा देखते हैं। ये जीरो, ठीक है ना, ये जीरो देगा और ये भी जीरो देगा, मतलब जीरो बटा जीरो फॉर्म बन रही है, ठीक है ना। ऐसे इसके अंदर भी जीरो बटा जीरो फॉर्म बन रही है। जीरो बटा जीरो फॉर्म बन रहे पर, ठीक है ना, जीरो बटा जीरो फॉर्म बनने पर हम लोपिटल लॉ लगा देते हैं। लोपिटल एल हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं, और ठीक है तो लगाए कैसे लगता है, ऊपर नीचे अवकलन कर देंगे। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ऊपर नीचे अवकलन किया, के अपॉन सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसका भी डिफरेंशिएशन किया ऊपर नीचे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन अपॉन सेक स्क्वायर के एक्स इंटू के, ठीक है ना। अब लिमिट पुट करते हैं, लिमिट पुट की तो क्या आएगा अपने पास में, के अपॉन ये जीरो पे वन देता है, वन इज इक्वल टू वन अपॉन के वन, ठीक है। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू आया वन, तो के इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस वन, ठीक है। तो अपने आंसर बनेगा थ्री, तीसरा आंसर बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो कि 20 तारीख के दिन डाला गया था, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन इज इक्वल टू, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी ये बतानी है हमें, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, हम सिंगल डेरिवेटिव करते हैं और डबल डेरिवेटिव करते हैं, पर हमारा सिंगल डेरिवेटिव से काम हो जाएगा, देखते हैं कैसे। इस फंक्शन को माना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका सिंगल डेरिवेटिव किया, एफ डैश इज इक्वल टू नीचे वाले का होल स्क्वायर, ऐसे करते हैं यू अपॉन वी से करना पड़ेगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला वैसा का वैसा, ऊपर वाले का अवकलन माइनस वन प्लस टू एक्स माइनस ऊपर वाला वैसा का वैसा वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन वन प्लस टू एक्स, ये हुआ डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसको सोल्व करके देखते हैं क्या आता है अपने पास। इसको सोल्व किया, अंदर मल्टीप्लाई किया इसको, माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स क्यूब, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स क्यूब, यह आया अपॉन ये पूरा का पूरा वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या क्या कट रहा है, ये कटा ठीक, और ये कटा, क्या क्या बचा, क्या बचा इधर लिखते हैं, क्या लिखा बचा, माइनस
माइनस वन माइनस वन माइनस दो। दूसरी बात, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हुआ ठीक है। माइनस टू प्लस टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आई है ये अपने पास। मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए इसकी यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं ठीक है ना। एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इसको जीरो के बराबर करके। इसको जीरो के बराबर किया तो ये तो जीरो के अंदर चला जाएगा ठीक है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी प्लस माइनस वन। प्लस माइनस वन पे चेक कर लेंगे हम कौन मिनिमम वैल्यू दे रहा है इस फंक्शन की, कौन मिनिमम वैल्यू दे रहा है ठीक है ना। मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है ये देख रहे हैं अपन ठीक है। तो करते हैं चेक, फंक्शन अपने पास में ये ठीक है। तो f1 की वैल्यू वन पे चेक कर रहे हैं, x इज इक्वल टू वन पर, x इज इक्वल टू वन पर चेक किया तो f ऑफ वन इज इक्वल टू आया वन अपॉन थ्री, वन पर वन अपॉन थ्री देगा ठीक है। माइनस वन पर, माइनस वन पर आएगी ये वैल्यू थ्री। तो मिनिमम इन दोनों में से यही है, यही मिनिमम वैल्यू ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, जो कि 21 तारीख के दिन डाला गया था। इफ इफ वाई इज इक्वल टू ये दे रखा है, देन देन इसकी वैल्यू पूछ रखी है कि ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव करना है हमें, डबल डेरिवेटिव करें। डी वाई बाई डी एक्स निकाला अपन ने, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए पहले इसका अवकलन यही होगा, e की पावर एक्स का अवकलन e की पावर एक्स ठीक है। फिर इसका भी अवकलन वन अपॉन टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ये आएगा, ये समीकरण नंबर एक। इसका फिर डिफ्रेंशिएशन किया क्या होगा, u इंटू वी से किया, पहला फंक्शन इसको माना दूसरा फंक्शन इसको माना, इसको छोड़ा टेन इनवर्स एक्स की पावर टेन इनवर्स एक्स को छोड़ा, इसका अवकलन माइनस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये होगा इसका अवकलन, प्लस प्लस इसका अवकलन क्या होगा, इसको छोड़ा वन प्लस एक्स के स्क्वायर को छोड़ा, वन प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ा, इसका अवकलन ए टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर ये उठ के नीचे आएगा ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा ठीक है, ये वाली चीज़ है। आगे देखते हैं, डेल टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों में से ए की पावर टेन इनवर्स एक्स, इनकी पावर टेन इनवर्स एक्स कॉमन, ये भी कॉमन ठीक है, जो कॉमन आ रहा है वो निकाल रहे हैं कॉमन, वन प्लस टू एक्स ए टू द पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ये वाली चीज आई ठीक है। हमें वैल्यू चाहिए इसकी, वन प्लस एक्स का हो एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ठीक है। वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये एक कट जाएगा, एक बचेगा, वन माइनस टू एक्स ए टू द पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर ठीक है। ये वैल्यू यहां से डाल देंगे, यहां से डालेंगे वहां पे, तो क्या आएगा, वन प्लस टू एक्स इज इक्वल टू इसकी वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स, ये वाली बात आई ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर आएगा ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना, जो कि 22 तारीख के दिन डाला गया था। क्या है क्वेश्चन, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी इनमें से, ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम
एलिमिनेट करके करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेट करके। कैसे करते हैं ऑप्शन एलिमिनेट? ए इज इक्वल टू जीरो पुट किया, ठीक है ना, जीरो पुट करने से ये क्या दे रहा है, ये जीरो, ये वन, वन और वन टू, टू का स्क्वायर फोर, मतलब ये वैल्यू आ रही है फोर, ठीक है ना। इनमें से जो फोर वैल्यू देगा वो आ जाएगा, वरना सारे कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जीरो पुट किया तो वन, वन में से वन गया जीरो, मतलब पूरा का पूरा जीरो, मतलब ये कट चुका है क्योंकि फोर वैल्यू आ रही है अपने और ये जीरो दे रहा है, ठीक है। ये भी जीरो दे रहा है इसी तरह से, तो ये भी कट, ये फोर वैल्यू दे रहा है तो ये अभी रह रहा है, ये अभी नहीं कटा है, ठीक है। तो इसको काटने के लिए ये रहा, ए इज इक्वल टू पाई बाई टू पुट करते हैं, 90 डिग्री पुट करें किया, 1 माइनस साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, 1 से 1 गया 0, ये 0, 0 का स्क्वायर 0, मतलब ये जो वैल्यू आ रही है साइन 90 पर वो 0 वैल्यू दे रहा है, ठीक है। ये दोनों कट चुके हैं, इनको नहीं देखना, इसको चेक कर लेते हैं क्या है। 1 प्लस साइन 90 1, साइन 90 1, 1 प्लस 1 2, ठीक है, 1 प्लस ये 0, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, मतलब ये 4 वैल्यू दे रहा है, अपनी क्या आ रही है 0, ये भी कट, अपना आंसर आया 4, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हुआ नन ऑफ दिस, क्योंकि तीनों ऑप्शन हमारे कट चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो कि 23 तारीख के दिन डाला गया था। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के डिस्टिंक्ट अलग अलग रियल वास्तविक सॉल्यूशन हल, ठीक है, अलग अलग वास्तविक हल बताने हैं हमें इस इक्वेशन के, देखते हैं क्या होंगे। एक बार प्लस लेके सोल्व करेंगे, एक बार माइनस लेके सोल्व करेंगे। प्लस लेके सोल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो फैक्टर क्या होंगे, एक्स माइनस फोर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो इसके हल आए एक्स इज इक्वल टू फोर और माइनस टू, ये दो हल आए इसके। एक बार माइनस लेके सोल्व करेंगे, ठीक है, तो माइनस लेके सोल्व करते हैं तो क्या आएगा देखते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, इसमें माइनस लेंगे बस, ठीक है, तो इसमें माइनस ले लिया, क्या आएगा, इन सबको उठा के इधर लेके गए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इससे ये साफ है ना, क्या बचेगा, माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू आया प्लस माइनस दो। डिस्टिंक्ट रियल रूट की सॉल्यूशंस की बात कर रहा है, तो क्या होंगे, इसमें माइनस टू, इसमें भी माइनस टू, एक रूट कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है। ये भी दो रूट दे रहा है, वो भी दो रूट दे रहा है, एक रूट कॉमन आ गया तो तीन ही रूट बचे, ऑप्शन नंबर 3 निकल के आएगा अपना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो कि 24 तारीख के दिन डाला गया था, वो है द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसकी एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हमारे पास में एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, देखते हैं क्या होता है। अगर हमारे पास में कोई जनरल इक्वेशन है ए वन ए टू डैश 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 ए एम की पावर एन, तब नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला है एन प्लस एम माइनस वन सी एम माइनस वन, ठीक है। तो इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होगा नंबर ऑफ टर्म्स, 25 प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या होगा, क्या आएगी, 25 माइनस 3
27 माइनस सी टू, 27 सी टू। अब इसको सोल्व करना आता है हमें, क्या होता है 27 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल, 27 माइनस 2 25, ठीक है। इसको फोर सोल्व किया 26 फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल 10 टू 25, 2 फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल, इससे ये कटा, ये 2 आएगा फैक्टोरियल 2 को 2 ही आता, इससे ये कटा 1 3, ठीक है। 13 को 27 से गुणा किया तो क्या आएगा अपने पास में 351, ठीक है, आंसर नंबर 1 निकल के आएगा अपना, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ओके, थैंक यू।